सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपकी क्लास लगाने लगा हूँ, आपका सेशन लगाने लगा हूँ, ये सेशन है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, नकल का सिद्धांत। जैसे कि आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो, आज जो आपकी क्लास लगेगी ये लगेगी डुप्लीकेशन पे, नकल के सिद्धांत पे। नकल का सिद्धांत दोस्तों कामयाब होने के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई भी काम हम करते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो नकल के सिद्धांत पे चल के ही आप कामयाब हो सकते हो। और नकल के सिद्धांत के अलावा बड़े सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें कामयाबी के लिए चाहिए, पर ये जो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, नकल है, ये सबसे अहम पार्ट है उस सभी फॉर्मूलों का। नकल के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, इतना जरूरी सिद्धांत है कि अगर आपने इस नकल के सिद्धांत पे काम कर लिया तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। नकल का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो नकल के सिद्धांत पे काम करिए, नकल करिए, डुप्लीकेट करिए। जैसे आप अगर जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ी कार लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे आदमी की नकल करनी पड़ेगी जिसने जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाया है। ऐसे आदमी की नकल करनी पड़ेगी जिसके पास बहुत बड़ी कार है, तभी आप बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे और बहुत बड़ी कार अपने लिए ले पाएंगे। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की नकल करें जिसने जिंदगी में कभी कार नहीं ली, उसके पास स्कूटर है या बाइक है, तो आपको वो कार तक पहुंचने का रास्ता कभी बता नहीं पाएगा। अगर आप जिंदगी में कार लेना चाहते हो तो कार लेने तक का रास्ता, कार तक पहुंचने का रास्ता आपको वो ही व्यक्ति बता सकता है जिसके पास कार है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले उसको डॉक्टर बनने की पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक डॉक्टर से सीखना पड़ेगा कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, यानी उसको भी एक डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो एक डॉक्टर बन पाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर एक व्यक्ति लॉयर बनना चाहता है तो पहले उसको वकील बनने के लिए वकालत पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद वकील बनने के लिए उसको किसी वकील के अंडर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, नकल नहीं करेगा वकील की, तो वो वकील नहीं बन पाएगा। अगर एक डॉक्टर किसी डॉक्टर के अंडर ट्रेनिंग नहीं लेगा, एक अच्छे डॉक्टर की नकल नहीं करेगा, उसे डुप्लीकेट नहीं करेगा, तो वो भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। कोई भी अच्छा डॉक्टर तभी अच्छा डॉक्टर बनता है जब उसने किसी और अच्छे डॉक्टर के नीचे ट्रेनिंग ली होगी, उसको नकल किया होगा। एक वकील किसी अच्छे वकील के नीचे ट्रेनिंग लेता है, उसकी नकल करता है, उससे डुप्लीकेट करता है, तो ही वो एक अच्छा लॉयर बन पाता है। और आप ही अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको किसी कामयाब आदमी की नकल करनी पड़ेगी। अब अगर मैं जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं, अगर मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं और मैं किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर रहा हूं जो जिंदगी में अभी कामयाब नहीं है और बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहा, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को फॉलो कर रहा हूं जो नौकरी कर रहा है और मैं उसकी नकल कर रहा हूं, तो मैं कहां तक पहुंचूंगा? सिर्फ नौकरी तक पहुंचूंगा। अगर एक नौकरी वाला इंसान 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है और मैं उसको नकल कर रहा हूं, उसको डुप्लीकेट कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में कहां तक पहुंच पाऊंगा? नौकरी तक ही पहुंच पाऊंगा। और अगर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं तो मुझे किसी बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ेगा, किसी बिजनेस में जाना पड़ेगा। और आज मैं आपको अपने बिजनेस में ये बताना चाहता हूं कि
कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप नकल के सिद्धांत को फॉलो कर लें तो आप कामयाब हो जाएंगे। बिजनेसमैन बनने के लिए किसी बिजनेसमैन को फॉलो किया जाता है, तभी एक इंसान बहुत बड़ा पैसा कमा पाएगा, तभी एक इंसान बिजनेसमैन बन पाएगा। दोस्तों, एक नौकरी वाला इंसान मुझे कभी भी बिजनेसमैन बनना नहीं सिखा सकता। एक बिजनेसमैन ही मुझे बिजनेसमैन बना सकता है, बिजनेस करने की अकल सिखा सकता है। और इस दुनिया में कोई भी कामयाब बिजनेसमैन कामयाब इसीलिए है, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि उस बिजनेसमैन ने नकल के सिद्धांत पे काम किया होगा। कोई भी बिजनेस हो, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, नकल के सिद्धांत पे चल के ही कामयाब हुआ जा सकता है। और जो लोग इस नकल के सिद्धांत को समझ लेते हैं वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। डुप्लीकेशन के सिद्धांत को, डुप्लीकेशन को समझ लेते हैं वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो आज एक सफल बिजनेसमैन है उसने नकल के सिद्धांत पे काम किया, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम किया है। ये जिंदगी दोस्तों एक बार मिली है, एक बार जिंदगी एक बार मिली है, इसको काटना है या जीना है ये आपके ऊपर है। काट तो सारी दुनिया रही है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में काम करने वाला हर डिस्ट्रीब्यूटर जिंदगी को जिए। और दोस्तों, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो आज आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, इस पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझ लीजिए और इस पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। डुप्लीकेशन का सिद्धांत इतना आसान है दोस्तों, अगर मैं किसी नलायक बच्चे को किसी होशियार बच्चे के पीछे बिठा दूं, परीक्षा में मैं उसको बोलूं कि तू इस होशियार बच्चे को पूरी तरह नकल कर ले और उस होशियार बच्चे के 80% मार्क्स आते हैं, और एग्जाम में मैंने नलायक बच्चे को बोला कि तू उसको नकल कर ले, तो ये बात उस नलायक को भी पता है कि उसने नकल कैसे करनी है। वो बच्चा क्या करेगा, उस पेपर को पूरी तरह से नकल कर लेगा। अगर मैंने उसको खुली आजादी दे दी कि तुझे कोई नहीं टोकेगा, तो इस पेपर से, इस होशियार बच्चे के पेपर से पूरी तरह से नकल कर ले, तो वो नकल करते वक्त इतनी नकल करेगा, इतनी नकल करेगा कि हो सकता है कि वो अपने पेपर पे अपने नाम की जगह उस बच्चे का नाम लिख दे। क्योंकि नकल करने वाला ज्यादा सोचता नहीं है, उसने नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसने तो बस नकल कर देनी है। तो ज्यादा चांसेस क्या है कि उस बच्चे के भी 80% मार्क्स आएंगे या 1-2%, 79% या 78% आ जाएंगे, पर उसका स्कोर भी वही होगा क्योंकि उसने क्या किया, नकल की, डुप्लीकेट किया। नकल का सिद्धांत इतना आसान है कि उस बच्चे को भी पता है कि उसने क्या करना है, नकल करनी है। अगर आप अपने बिजनेस में भी नकल के सिद्धांत पे काम करें, यानी किसी ऐसे बिजनेसमैन की नकल कर दें जो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, तो आप भी बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के काम में, हमारी कंपनी में एक ऐसी अपलाइन की, एक ऐसे गुरु की नकल कर दें, उसकी तरह बन जाएं, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। नकल का सिद्धांत इतना आसान है दोस्तों कि उस बच्चे को पता है कि उसने उस होशियार बच्चे की शीट में से क्या करनी है, कॉपी करनी है, डुप्लीकेट करना है, नकल करना है। और अगर आप किसी भी काम में से कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से कामयाब होना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे आदमी की नकल कर दीजिए, किसी ऐसे आदमी को डुप्लीकेट कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए जो उस बिजनेस में कामयाब है। अगर आप हमारे बिजनेस में भी नकल के सिद्धांत को फॉलो कर लें,
आप किसी अपलाइन को फॉलो कर लें तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ आपको करनी क्या है, नकल नकल नकल। और इस नकल को करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मास्टर कॉपी बनना पड़ेगा। मास्टर कॉपी, ये वर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी क्या होती है, जिस कॉपी की आगे कॉपीज निकाली जाती हैं। तो आपको एक मास्टर कॉपी बनना पड़ेगा, आपको एक ऐसी अपलाइन बनना पड़ेगा, एक ऐसा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा जिससे लोग सीखें। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री से आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पहले एक अच्छी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी नकल करनी पड़ेगी, एक कामयाब आदमी की नकल करनी पड़ेगी, अपने आप को मास्टर कॉपी बनाना पड़ेगा और उस मास्टर कॉपी की आगे कॉपियां निकल जाएंगी। यानी आप नकल करिए और नकल करवाइए तो इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे। नकल करना और नकल करवाना दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी टीम की शुरुआत आपसे ही होती है और आपकी टीम खत्म भी आपसे ही होती है। आपकी टीम जहां से शुरू होती है, जहां पे आपका आईडी नंबर डला हुआ है। आप अपनी टीम में जैसे कल्चर को बिठाना चाहते हैं, जैसा कल्चर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हो, वैसे ही कल्चर की नकल आपको करनी पड़ेगी। अगर वैसा कल्चर आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपकी टीम के अंदर भी वही कल्चर जाएगा, क्योंकि आपके नेटवर्क की शुरुआत इस बिजनेस में आपसे ही होती है। भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, वो आगे दी हैं या पीछे दी हैं? जवाब है आगे दी हैं। तो हमें जिंदगी में आगे देखना है, आगे देखिए और आगे बढ़ते जाइए। जो कुछ अच्छा सीखने को मिलता है उसे सीखिए और अपने अंदर धारण कर लीजिए, और जो कुछ गलत मिलता है उसको छोड़ दीजिए और अपने आप को एक मास्टर कॉपी, एक बेहतरीन मास्टर कॉपी बना दीजिए ताकि आपको भी लोग नकल करें। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपकी बिजनेसमैन की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, आपके अंदर एक बिजनेसमैन भी पैदा करता है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके आता है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या सीख कर आ जाते हैं। यकीन मानिए, एक बच्चा अपने माँ बाप का प्रतिबिंब होता है, उनका आईना होता है। एक बच्चा जो भी बिहेव करता है वो सब कुछ अपने माँ बाप से सीखता है। सबसे अच्छा डुप्लीकेशन ही एक बच्चा करता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, उसका दिमाग कोरा कागज होता है, उसका दिमाग एक खाली कॉपी की तरह होता है और उस खाली कॉपी पे, उस कोरे कागज पे लिखने वाले उसके माँ बाप होते हैं। पहले 15 सालों में उस बच्चे का लॉजिकल ब्रेन यानी सोचने की शक्ति बहुत कम डेवलप होते हैं, लॉजिकल ब्रेन बहुत कम डेवलप होता है और वो उसके जो तर्क होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं वो भी कम होती हैं। तो वो सीधा सीधा उन लोगों को फॉलो करता है जो पहले 15 सालों में उसकी जिंदगी में आए। मेरा मानना है, यकीन है मेरा, कि भगवान के घर में माथा टेकने से पहले, भगवान के आगे सर झुकाने से पहले हमें अपने माता पिता का माथा टेकना चाहिए। और अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें तो पहले उनको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होगा, कल को आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो नकल करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, नकल के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। और ये नकल करना उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी को हमारे देश में संस्कार कहा जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों, एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। आप अपने बच्चों को गाना मत सुनाइए कि अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट अपने आप करेंगे अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, तो उनको कुछ नहीं करना, अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ रखें और हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन का सिद्धांत अपने आप फॉलो हो जाएगा, नकल अपने आप होगी और उनके बच्चे भी माँ बाप की इज्जत करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरा हर डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले अपने घर पे ये काम डुप्लीकेट करना शुरू कर दे। सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आज अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो कल को आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं डुप्लीकेशन का, नकल का सिद्धांत। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन का सिद्धांत हर जगह काम करता है। एक परिवार में एक बच्चा डुप्लीकेट कर रहा है, और यहां आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, आपकी डाउनलाइन आपकी नकल करेगी। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन कैसी हो, आपकी टीम कैसी हो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा, वैसा ही फल पाओगे। आप चाहते हो कि आपकी टीम में ऐसे गुण हो, तो वो गुण आपके अंदर भी आने चाहिए, तो ही आपकी टीम आपको नकल करेगी। आप चाहते हैं कि आपका भविष्य ग्रो करे, आप भविष्य में अच्छी जगह पे पहुंचे, आपकी टीम हर ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करे, आपकी टीम बहुत बड़ा पैसा कमाए, तो पहले आपको हर ट्रेनिंग क्लास को खुद अटेंड करना पड़ेगा। आपको एक अच्छी मास्टर कॉपी बनना पड़ेगा दोस्तों। एक अच्छी मास्टर कॉपी से ही एक अच्छी कॉपी निकलती है। आपको सारी चीजें पहले खुद फॉलो करनी पड़ेंगी। एक इंसान की स्टोरी से मैं आपको समझाता हूं। एक पर्सन था जिसका नाम था रिक रॉक। वो इंसान बर्गर बहुत अच्छा बनाता था। एक जगह पे वो अपने बर्गर का स्टैंड लगाता था, वहां पे वो बर्गर बना बना के बेचता था। और उसके बर्गर की दोस्तों क्वालिटी ये थी कि जिस तरह की आलू की टिक्की वो डालता था, जिस तरीके की वो सॉस डालता था, जिस तरीके से वो सैलेड डालता था, तो लोगों को उसका बर्गर बहुत स्वाद लगता था। उसके बर्गर की लोग तारीफ करते, लोग दूर दूर से उसके बर्गर को खाने आते। इतना टेस्टी बर्गर बनाता था कि उसकी दुकान बहुत ज्यादा चलती थी। पर फिर क्या हुआ, वही जो हर बिजनेस में होता है, उसने देखा कि मैं एक टाइम से ज्यादा, एक हद से ज्यादा लोगों को बर्गर सर्व नहीं कर पा रहा हूं, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इतने बर्गर बना नहीं पाता था। तो जब वो बर्गर लोगों को खिला देता था, उसके इतने बर्गर बिकते थे कि उसके स्टैंड पे जहां पे वो खड़े होके बर्गर बेचता था, उसके वो सारे बर्गर खत्म हो जाते थे और बड़े सारे लोगों को भूखे पेट ही वापस जाना पड़ता था। तो उस इंसान ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बर्गर की एक और दुकान खोल दूं। तो उसने लोगों को बताया कि आप मेरे बर्गर की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, मेरे बर्गर की दुकान की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप बहुत पैसा कमाएंगे। लोगों ने उसकी बात को सुनकर इनकार कर दिया। उसने बड़े सारे लोगों से बात की,
बुक्स कहती हैं कि उसने 1000 लोगों से पूछा कि आप मेरे बर्गर की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। अब लोग उसके बर्गर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो सबसे पहले उस इंसान ने क्या किया, अपनी सिस्टर नैन्सी को बोला कि आप मेरे बर्गर की फ्रेंचाइजी ले लो। उसने अपनी सिस्टर नैन्सी को सिखाया कि जब तूने इस बर्गर की फ्रेंचाइजी ली, इस दुकान को खोला, तो तूने दुकान पे वैसा ही बोर्ड लगाना है जैसा बोर्ड मेरी दुकान के बाहर लगा हुआ है, वैसे ही टेबल लगानी है जैसी टेबल मेरी दुकान पे लगी हुई है, वैसा ही बर्गर का टेस्ट रखना है जैसे मेरे बर्गर का टेस्ट है, बर्गर में वही आलू की टिक्की डालनी है और उतनी ही डालनी है जितनी मैं डालता हूं, उतनी ही सॉस डालनी है और वही सॉस डालनी है जितनी सॉस मैं डालता हूं, और जिस आंच पे बर्गर मैं बनाता हूं तूने भी उसी आंच पे बर्गर बनाना है, यानी बर्गर को उतना ही गर्म करना है जितना मैं करता हूं। तो क्या होगा, नकल होगी नकल। तो उसकी बहन ने उसकी बर्गर की फ्रेंचाइजी की नकल करी और नकल में उसने सुई जितना भी फर्क नहीं रखा, मतलब जैसा बर्गर वो बना रहा है उसकी बहन ने भी वैसा ही बर्गर बनाना सीखा, सुई जितना भी फर्क नहीं रखा, सुई जितना भी। तो उसने क्या सोचा कि उसकी फ्रेंचाइजी चलनी चाहिए क्योंकि बर्गर में सुई जितना भी फर्क नहीं है, उसका ही दुकान, वही बोर्ड, वही टेबल और वैसा ही बर्गर थोड़ी दूर उसकी बहन ने खोल लिया, तो उसकी भी फ्रेंचाइजी चली होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोगों को उस बर्गर और उसकी बहन के बनाए हुए बर्गर के टेस्ट में कोई फर्क नहीं नजर आया, दुकान भी वैसी ही थी, बोर्ड भी वैसा ही लगा हुआ था। तो अब उस इंसान ने, रेक रॉक ने, लोगों को जाके बताया कि मैंने एक बर्गर की फ्रेंचाइजी खोल ली है, देखिए मेरी फ्रेंचाइजी चल रही है, ये मेरी बहन है, इसने मेरे बर्गर की फ्रेंचाइजी ली और आज ये बहुत अच्छा बर्गर बेच रही है, बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। तो उसने फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया और इस इंसान का नाम था रिक रॉक। रिक रॉक ने जब ये फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया, उसने अपनी सिस्टर को फ्रेंचाइजी दी, तो उसने सिस्टर की फ्रेंचाइजी को हिट करने के बाद लोगों को उदाहरण दी, उसकी एग्जाम्पल खड़ी कर दी। अब जिन लोगों से उसने पहले बात कर ली थी, जिन लोगों ने उनको इनकार कर दिया था, तो उन लोगों को भी पता चलने लगा कि अगर हम भी नकल के सिद्धांत को फॉलो करें, नकल के सिद्धांत पे काम करें, डुप्लीकेशन के मेथड को फॉलो करें, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे। तो किसी तीसरे व्यक्ति ने भी उसके बर्गर की फ्रेंचाइजी ले ली, 5 व्यक्तियों ने ले ली, 10 लोगों ने ले ली, 50 लोगों ने ले ली, आज हजारों लोग उस बर्गर की फ्रेंचाइजी को ले चुके हैं। मैं अगर बात करूं, वर्ल्ड वाइड उसकी फ्रेंचाइजियां चलती हैं, उसका बर्गर बिकता है, पूरी दुनिया में उसकी फ्रेंचाइजी खुली हुई है। उस फ्रेंचाइजी का नाम है मैकडॉनल्ड्स। एक छोटे से स्टैंड से उस व्यक्ति ने काम शुरू किया और आज वर्ल्ड का दूसरे नंबर का ब्रांड बना दिया दोस्तों, वर्ल्ड का दूसरे नंबर का ब्रांड बना दिया। और किस वजह से बनाया, इस स्टोरी से भी आपने यही सीखा कि उसने नकल के सिद्धांत पे काम किया, डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम किया। नकल के सिद्धांत में दोस्तों इतनी पावर है, इतनी पावर है कि आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे अगर आप ये नकल का सिद्धांत हमारे काम में भी इंप्लीमेंट कर लें। रिक रॉक इतने बड़े ब्रांड को जन्म क्यों दे पाया? मैकडी दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसका बर्गर पूरी दुनिया में बिक रहा है, वो इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना पाया? क्योंकि उसने नकल के सिद्धांत पे काम किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई समझदार व्यक्ति है, कोई नलायक व्यक्ति आया है, उसने सिर्फ लोगों को यही सिखाया, नकल करो, नकल करो, नकल करो, नकल करो, नकल करो, डुप्लीकेशन करो।
आप मेरे काम की नकल करो, सफलता अपने आप आपकी नकल करके आपको मिल जाएगी। आप मेरे काम की नकल करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। उसके बाद बड़े सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम किया। रिक रॉक ने एक फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया, उसने लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दी, लोगों को बताया कि आप मेरी नकल कीजिए, बर्गर बनाइए, आप मेरे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लीजिए। उसने फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया। बड़े सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल को फॉलो करके जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ली। जैसे मैं आपके सामने बात करूं अगर KFC की, केंटुकी फ्राइड चिकन, तो केंटुकी फ्राइड चिकन के जो ऑनर हैं कॉलनल सैंडर्स, उन्होंने भी फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म दिया। किस सिद्धांत पे? नकल के सिद्धांत पे। सबसे पहले जब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला तो जिस रेस्टोरेंट में उनका चिकन का टेस्ट रखा हुआ था, आज भी चिकन का टेस्ट वैसे का वैसा ही है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, KFC के अंदर चिकन का टेस्ट वैसा ही टेस्ट होगा जैसा हर रेस्टोरेंट में होता है। आप आज लुधियाना में KFC के अंदर चले जाइए, आप बॉम्बे में चले जाइए, आप केरल में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, आपको सब जगह नकल ही नकल नजर आएगी, क्योंकि वहां भी टेस्ट सेम होगा और यहां भी टेस्ट सेम होगा। आप मैकडॉनल्ड के किसी भी फ्रेंचाइजी में चले जाइए, बर्गर का टेस्ट हर फ्रेंचाइजी में सेम होगा। और ये दोनों फ्रेंचाइजियां आज पूरे वर्ल्ड में खुली हुई हैं, हर शहर की प्राइम लोकेशन पे ये फ्रेंचाइजियां खुली हुई हैं। हमारे पंजाब में, लुधियाना में भी ये फ्रेंचाइजी चल रही है, हर जगह पे चल रही है, और हर शहर की सबसे महंगी जगह पे KFC या मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी चल रही है। आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए दोस्तों, नकल के सिद्धांत पे काम करते हैं सारे। आप उठा लीजिए एग्जांपल डोमिनोज की। डोमिनोज ब्रांड जब बना होगा तो उन्होंने भी नकल के सिद्धांत को फॉलो किया होगा। अगर आज आप किसी डोमिनोज पे चले जाएं और वहां का पिज्जा खा लें, तो आज आप किसी फॉरेन में भी चले जाएंगे, इंडिया के बाहर भी चले जाएंगे, तो आप वहां पे भी अगर डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे तो आपको टेस्ट सेम ही नजर आएगा, क्योंकि वो भी नकल के सिद्धांत पे ही काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में लगाया गया रिक रॉक का एक स्टैंड, बर्गर बेचने का एक स्टैंड, आज दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। क्यों बना? क्योंकि उसने नकल के सिद्धांत पे काम किया। डोमिनोज आज इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना? क्योंकि उन्होंने नकल के सिद्धांत पे काम किया। KFC आज इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना? क्योंकि उन्होंने नकल के सिद्धांत पे काम किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कितनी बारीकी से नकल कर रहे हैं। जितनी बारीकी से आप नकल करेंगे, जितने अच्छे से आप नकल करेंगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप नकल के सिद्धांत को फॉलो कर लें तो आपको इस बिजनेस में भी कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा बिजनेस भी रिक रॉक के बिजनेस की तरह, मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस की तरह फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी देने का बिजनेस है। उस फ्रेंचाइजी में, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी में एक फर्क है जो हमारी फ्रेंचाइजी में है। क्या फर्क है दोस्तों? वहां पे अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी हो तो आपको सीधा रिक रॉक के पास जाना पड़ेगा। आप किसी फ्रेंचाइजी से आगे फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते। पर यहां पे सबसे अच्छी बात ही ये है कि आप यहां पे फ्रेंचाइजी लेते भी हैं और फ्रेंचाइजी देते भी हैं। आपने विपकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी ली और आगे आप ही इसी फ्रेंचाइजी को देंगे, तो आप ही अपने बिजनेस के विपकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर आपने नकल के सिद्धांत को फॉलो कर दिया तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। वो बर्गर बेच के कामयाब हैं, हम सर्विसेज, हम एजुकेशन बेच के, एजुकेशन दे के, एजुकेशन सिखा के कामयाब हो जाएंगे, पर हमें नकल के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा।
यहां पे आपको डुप्लीकेशन लेनी भी है और डुप्लीकेशन देनी भी है। आप जो एज इट इज अपने गुरु से, अपनी अपलाइन से सीख रहे हैं, एज इट इज अपनी डाउनलाइन को सिखा दीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी, सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। दिस बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डुप्लीकेशन करनी है, नकल करनी है। सुबह, दोपहर, शाम आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, डुप्लीकेशन 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 डुप्लीकेशन, नकल नकल नकल। दिस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। अब आप पूछेंगे सर नकल करना तो आता है हमें, नकल कर तो लेंगे हम, पर आगे नकल करवाएंगे कैसे, हम अपनी टीम को कैसे नकल करवाएंगे, ये सिखा दीजिए। तो दोस्तों नकल सिखानी नहीं पड़ती, नकल अपने आप ही करनी आ जाती है। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम करे, आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम भी वैसा ही करना शुरू कर देगी। क्योंकि एक बच्चे को ये नहीं सिखाना पड़ता कि कैसे नकल करनी है, वो अपने माँ बाप को खुद ही नकल कर लेता है। तो आप अपनी टीम के लिए माँ बाप हैं, आप अपनी टीम के गुरु हैं। आप जो करेंगे आपकी टीम हूबहू आपको नकल कर देगी। इस बिजनेस में नकल करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपकी टीम हूबहू खुद ब खुद आपको नकल करेगी। और इस बिजनेस में नकल अपने आप ही इंप्लीमेंट हो जाती है। बस इस बिजनेस में इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी ऐसा एक्शन मत करिएगा जिसके डुप्लीकेशन से आपकी टीम में कोई नुकसान हो जाए। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिस काम को करके आपकी टीम का नुकसान हो जाए। कोई भी ऐसा एक्शन मत करिएगा कि आपकी टीम में नुकसान हो, क्योंकि इस बिजनेस में नकल करनी नहीं पड़ती। नकल करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका जो एक्शन होगा वही नकल हो जाएगा अपने आप। दिस बिजनेस इज ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपका जो भी एक्शन होगा वो आपकी टीम अपने आप ही नकल कर लेगी। आप अपने एक्शन को सही रखिए। जो भी आपका एक्शन है, आपकी टीम आपके एक्शन को अपने आप ही नकल कर लेगी। बस आप इतनी सी बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी अपने अपलाइन से, अपने गुरु से सीख रहे हैं, वही चीज आगे सिखा दीजिए। और सीखी हुई चीज में कोई भी छेड़छाड़ मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने कोई चीज की छेड़छाड़ की, कोई भी चीज में बदलाव किया, तो वो आगे वही चीज डुप्लीकेट हो जाएगी। क्योंकि आप अपनी टीम के लिए मास्टर कॉपी का काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे जब रिक रॉक ने अपनी बहन नैन्सी को बर्गर बनाना सिखाया होगा, तो उसने नैन्सी को बोला होगा कि बर्गर की अंदर टिक्की इस तरीके से रखनी है, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए। उसने नैन्सी को सिखा दिया, पर बाद में नैन्सी ने सोचा कि टिक्की की क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क करने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर टिक्की के अंदर नैन्सी ने थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की होती तो कोई गारंटी नहीं थी कि रिजल्ट वही आएगा। नैन्सी ने उस बर्गर की टिक्की की क्वालिटी के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, इसीलिए आज मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स बन पाया। अगर उस टिक्की के अंदर जरा सी भी छेड़छाड़ हुई होती तो रिजल्ट वैसा नहीं आता। कोई गारंटी नहीं है कि वैसा ही रिजल्ट आता, वैसी ही कामयाबी मिलती। इसीलिए जो आपको सिखाया जा रहा है वैसे ही आपने अपनी डाउनलाइन को सिखाना है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। क्योंकि डुप्लीकेशन का सिद्धांत कहता है कि नकल के अंदर अकल इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं है। नकल के अंदर इतनी सी भी अकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। नकल के सिद्धांत में क्या करना है, सिर्फ नकल करनी है, सिर्फ नकल, सिर्फ नकल, सिर्फ नकल। सिंपली ब्लाइंडली, सिंपली ब्लाइंडली फॉलो योर अपलाइन, फॉलो योर गुरु। और अगर आपने नकल के सिद्धांत में
इतनी सी भी छेड़छाड़ की, आपकी अपलाइन से सीखी हुई बातों को, आपने गुरु से सीखी जो बातों को आपने उसमें इतना सा भी छेड़छाड़ किया, तो वही चीज आगे नकल हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी और आपके नेटवर्क में गलत मैसेज जाएगा। और आपका नेटवर्क, आपकी टीम आपसे शुरू होती है, आपसे स्टार्ट होती है। तो इस बिजनेस में आपको क्या फॉलो करना है, क्या नकल करनी है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये सीखना है कि आपकी अपलाइन प्लान कैसे दे रही है, आपको उसको नकल करनी है। जैसे आपकी अपलाइन प्लान दे रही है वैसे ही आप प्लान देना शुरू करिए। जैसे आपकी अपलाइन ट्रेनिंग लगा रही है आप भी अपनी डाउनलाइन की वैसे ही ट्रेनिंग लगाइए। जैसे आपकी अपलाइन डेली आपको कॉल करती है वैसे ही आपने अपनी टीम को डेली कॉलिंग करनी है, डेली उनकी टेक केयर करनी है, रोजाना उनसे पूछना है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप ये बातें याद रखिए कि आपको प्लान देना है अपनी अपलाइन की तरह, आपको अपनी टीम को डेली कॉल करना है अपनी अपलाइन की तरह, जैसे आपकी अपलाइन आपको करती है। आपको अपनी डाउनलाइन की, अपनी टीम की ट्रेनिंग लगानी है जैसे आपकी अपलाइन आपकी ट्रेनिंग लगाती है। आपको अपनी डाउनलाइन की, अपनी टीम की टेक केयर करनी है। आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके बच्चे हैं, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की टेक केयर करते हैं, आपको अपनी डाउनलाइन की टेक केयर करवानी पड़ेगी, उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, करवानी भी है और करनी भी है। आपकी अपलाइन की सपोर्ट इसमें आपको रहेगी। आपको अपनी टीम की टारगेट पूरे करने में, अपनी टीम के लक्ष्य को पूरे करने में उनकी मदद करनी है। आपकी टीम के टारगेट्स पूरे होने चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। अगर आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगी, उनके टारगेट्स जल्दी से जल्दी पूरे होंगे, उनकी मोटिवेशनल लेवल हाई रहेगा उनका। तो ये सिर्फ आपको नकल करना है, अपनी टीम के टारगेट को पूरा करवाइए। जो भी व्यक्ति इस कंपनी में ज्वाइन हो गया उसका पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले 15 दिनों में उसकी 4 डायरेक्ट हो जाएं और उसके लगाए हुए पैसे कंपनी से बाहर हो जाएं। तो आपकी टीम में सभी लोगों की 4-4 डायरेक्ट हों, इसका ध्यान किसको रखना है? आपको रखना है, क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं, आप उनकी अपलाइन हैं। आपकी टीम की सारी ट्रेनिंग क्लासेस कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे सक्सेस ओरिएंटेशन की क्लास, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी की क्लास, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की क्लास, पावर ऑफ डुप्लीकेशन की क्लास जो हम आज अटेंड कर रहे हैं, चेंज इज मस्ट की क्लास, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम की क्लास, सारी की सारी ट्रेनिंग क्लासेस उनकी लगनी चाहिए, पावर ऑफ थॉट्स की क्लास, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की क्लास, बड़ी सारी क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपकी टीम में रोजाना लगनी चाहिए, आपकी अपनी टीम के साथ गेट टुगेदर डेली होनी चाहिए। आप अपनी टीम के टारगेट्स को पूरा करवाने में उनकी मदद करिए। आप इस काम को नकल करिए, डुप्लीकेट करिए और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए और कोशिश करिए कि आप वैसे ही प्लान दिखाएं, वैसे ही ट्रेनिंग लगाएं जैसे आपकी अपलाइन लगा रही है। इन शॉर्ट, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी अपलाइन को या मुझे या अपने सीनियर्स को फॉलो करिए, उनको नकल करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, अपनी टीम की टेक केयर करिए। आपकी टीम आपके आगे से स्टार्ट होती है तो आपको पीछे नहीं देखना, आपको आगे की तरफ देखना है, अपनी डाउनलाइन की टेक केयर करनी है। आपके एक्शन पर आपने ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एक्शन गलत ना हो जिससे आपकी टीम में कोई गलत मैसेज जाए। डुप्लीकेशन के सिद्धांत में आपको अपने एक्शन पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप मैं डुप्लीकेशन के इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस बिजनेस में आपको क्या करनी है, नकल करनी है, नकल करनी है, डुप्लीकेशन करना है। जैसे मैं बात करता हूं वैसे आप बात करना शुरू कर दीजिए, जैसे मैं फॉर्मल ड्रेसेस पहनता हूं आप फॉर्मल ड्रेसेस पहनना शुरू कर दीजिए। आप एक बिजनेसमैन की क्वालिटी अपने अंदर लेके आइए।
अपने पास अपनी कंपनी की बिजनेस प्लान की फाइल रखिए, अपने पास अपना रजिस्टर रखिए, अच्छे से अप्रोच करिए, अच्छे से फॉलो अप करिए। जैसे जैसे आपकी अपलाइन, आपके गुरु आपको सिखा रहे हैं, उनकी सिखाई हुई हर बात को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, उनको अच्छे से नकल कर लीजिए, पूरी तरह से उनको फॉलो कर लीजिए, तो आप भी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और जो इंसान अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, नकल के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, वो कामयाब नहीं हो पाता। और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में हर डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब हो, आप कामयाब हो, और आपकी कामयाबी से मुझे इतना प्यार है आप भी नहीं जानते। क्योंकि आप कामयाब हैं तो कंपनी कामयाब है, आपकी कामयाबी के साथ ही कंपनी की कामयाबी जुड़ी हुई है। लोग नकल के सिद्धांत को समझने के बाद भी नकल के सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, और मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नकल के सिद्धांत को समझे और डुप्लीकेशन के सिद्धांत को, नकल के सिद्धांत को फॉलो करे। जो जो आपकी टीम में आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है, वैसी नकल कर दीजिए, आपकी टीम आपको नकल करनी शुरू कर देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, मास्टर कॉपी बनना है दोस्तों, मास्टर कॉपी। हर एक अच्छी चीज को सीखिए, अच्छा काम करिए, अप्रोच अच्छे से करिए, टीम अच्छे से बनाइए, अपनी टीम में सब लोगों को अच्छे मैसेजेस दीजिए। बड़ी अच्छी से है दोस्तों कि अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक किया है तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। तो बदलाव लेके आइए अपने अंदर। इसके लिए हम एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे अगली सेशन के अंदर, अगली ट्रेनिंग क्लास के अंदर। उस ट्रेनिंग क्लास का नाम होगा चेंज इज मस्ट। नकल के सिद्धांत को फॉलो कर लीजिए और अपने अंदर बदलाव लेके आइए, तो आप भी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।